हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस डीपीटी। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। आउटलाइन मैंने दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नर्व फाइबर्स। देन हम डिस्कस करेंगे नंबर वन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। नंबर टू, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर थ्री, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन। नंबर फोर, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। नंबर फाइव पे, डिपेंडिंग अपॉन सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नंबर सिक्स, डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स आर बंडल ऑफ नर्व सेल्स न्यूरॉन दैट पास इम्पल्स टू द ब्रेन। फ्रॉम द ब्रेन नर्व फाइबर्स सेंड इम्पल्स टू द इफेक्टर। नंबर बंडल ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन के जो होते हैं वो हमारे पास नर्व फाइबर्स या इम्पल्स पास करती हैं ब्रेन की तरफ, और जो ब्रेन के जो इम्पल्स यानी सेंसरी इम्पल्स जो होती हैं वो पास होती हैं मोटर की तरफ, इफेक्टर की तरफ। डायग्राम पे नजर डालते हैं। हमारे पास डेंड्राइड है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं, नेसेस ग्रेन्यूल्स होते हैं, जहाँ पे हमारे पास एग्जॉन स्टार्ट होते हैं उसे हम एग्जॉन हॉलिक भी कहते हैं। देन हमारे पास जो चेन सी नजर आ रही है वो हमारे पास श्वान सेल्स इनके दरमियान में होते हैं, और माइलिन शीट होती हैं। जो श्वान सेल्स जो होते हैं उनमें हमारे पास माइलिनेट शीट की इंसुलेशन होती है, एंड उनके दरमियान जो स्पेस आपको नजर आ रहा है वो हमारे पास आता है नोड ऑफ रनवियर। जहाँ पे हमारे पास एग्जॉन एंड होता है उसे हम एग्जॉन टर्मिनल कहते हैं। नंबर वन हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर। नर्व फाइबर्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। नंबर वन इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नंबर टू इज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। चलते हैं डिस्कस करते हैं व्हाट इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड व्हाट इज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नंबर वन हमारे पास आता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर द नर्व फाइबर्स दैट आर कवर्ड बाय माइलिन शीट। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हमारे पास वो नर्व फाइबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास माइलिन शीट कवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर जो हमारे पास माइलिन नर्व फाइबर्स है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है और पेंसिल है। हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं पेंसिल को, एंड इसके ऊपर जो कवर हुआ होता है वो माइलिन शीट होता है। एंड सेकेंड इज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर द नर्व फाइबर्स विच आर नॉट कंडक्टेड बाय माइलिन शीट। मतलब इसमें हमारे पास माइलिन शीट होगा ही नहीं, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। सेकेंड हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन। Nerve fibers are classified into two types on the basis of distribution. Number one is somatic nerve fiber and number two is visceral or autonomic nerve fibers. Somatic nerve fibers supply the skeletal muscles of the body. सोमेटिक नर्व फाइबर्स जो होंगी वो हमारे पास सप्लाई करेगी स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। यानी स्केलेटल मसल्स हमारे पास क्या है, जो कि स्ट्रेटेड मसल्स हो और वोलेंट्री हो, उन्हें सप्लाई करेगा सोमेटिक नर्व फाइबर। विजरल और ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर, ऑटोनॉमिक के लफ्ज से ही पता चलता है कि हमारे पास इनवोलेंट्री होता है। ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई द वेरियस इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जितने भी हमारे पास इंटरनल ऑर्गन होंगे उसे सप्लाई करेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कार्डिक मसल्स हो गया एंड स्मूथ मसल्स हो गए, इन्हें सप्लाई करेगा। नंबर थर्ड पे हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नर्व फाइबर्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। नंबर वन इज क्रैनियल नर्व फाइबर एंड नंबर टू इज स्पाइनल नर्व फाइबर। क्रैनियल नर्व फाइबर आर अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रैनियल नर्व फाइबर। ब्रेन के ही लफ्ज़ से ही पता चलता है कि हमारे पास क्रैनियल नर्व जो होंगे वो ब्रेन से अराइज होंगे। स्पाइनल नर्व फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व फाइबर्स। यानी ये हमारे पास स्पाइनल नर्व जो होंगे वो अराइज होंगे किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, जैसे हम स्पाइनल नर्व फाइबर कहते हैं। नंबर फोर पे हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन फंक्शन। फंक्शनली नर्व फाइबर्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फंक्शनली जो नर्व फाइबर को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में। नंबर वन इज सेंसरी नर्व फाइबर एंड नंबर टू इज मोटर नर्व फाइबर।
सेंसरी नर्व फाइबर कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पास इम्पल्स सेंसरी इम्पल्स कैरी करते हैं और जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितना भी यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी हिस्से तक। These nerve fibers are also known as efferent nerve fibers, yani sensory ko hum efferent nerve fibers bhi kehte hain. Motor nerve fibers, ab ye MCQs ke hawale se aap log ko aa sakta hai ki sensory is also called efferent ya efferent, to aap log likh sakte hain ki hamare paas efferent nerve fiber hai. Number 2 is motor nerve fiber. Motor nerve fiber carry motor impulse from central nervous system to different part of the body. These nerve fibers are also known as efferent nerve fiber. Motor nerve fibers जो होगा वो हमारे पास nerve impulse लेकर जाएगा central nervous system के different parts of the body तक। अब ये इम्पॉर्टेंट भी MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोटर नर्व फाइबर का सेकेंड नेम हमारे पास क्या आते हैं, जिसे हम इफिरन नर्व फाइबर्स कहते हैं। नंबर 5 में हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। दो टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे पास हैं, लाइक मतलब दो न्यूरोट्रांसमीटर, दो नर्व फाइबर्स जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है, लेकिन दोनों नर्व फाइबर्स हमारे पास जो सिक्रीट करेंगे क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर सिक्रीट करेगा नॉन एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर को, एंड कोलेजेनिक नर्व फाइबर्स जो होगा वो हमारे पास सिक्रीट करेगा एसिटाइल कोलीन को। ये हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये भी MCQs के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर्स कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं और कोलेजेनिक नर्व फाइबर्स हमारे पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टाइप ए फाइबर एंड टाइप सी फाइबर। टाइप ए फाइबर को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा। अल्फा फाइबर्स फ्रॉम द मसल, स्पेंडन एंड गुलजी टेंडन ऑर्गन्स इनमें होता है, इन फाइबर्स के जरिए। नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं बीटा फाइबर्स फ्रॉम मसल, स्पेंडन एंड कंटीन्यूअस मैकेनो रिसेप्टर। बीटा जो होंगे वो हमारे पास फाइबर्स फ्रॉम मसल स्पेंडल्स में, क्यूटिनियस स्किन में और मैकेनो रिसेप्टर में। 3 में हमारे पास आता है गैमा मसल स्पेंडल फाइबर्स कंट्रैक्शन। मसल स्पेंडल फाइबर्स गैमा जो होता है वो कंट्रैक्शन में होता है। मसल फाइबर गैमा मोटर न्यूरॉन इनरवेट इंटरफ्यूजल मसल फाइबर्स ऑफ मसल स्पेंडल न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स इनमें होता है। 4th में हमारे पास आता है डेल्टा फाइबर्स कैरी प्रेशिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसेशन। ये जो डेल्टा फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पास टेम्परेचर सेंसेशन और प्रेशर में होता हेल्प करता है, बस एज इट इज यही कह लें। एंड देन इज टाइप सी फाइबर। चलिए टाइप ए फाइबर और टाइप सी फाइबर्स के दरमियान हमारे पास डिफरेंस क्या है। टाइप ए फाइबर्स आर दे आर माइलिनेटेड फाइबर्स एंड टाइप सी दे आर नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर थिकेस्ट एंड फॉटेस्ट कंडक्टिंग। टाइप ए फाइबर्स जो होंगे वो हमारे पास थिकेस्ट होंगे और उनकी जो कंडक्टिंग होगी वो फास्ट होगी। टाइप सी फाइबर्स आर थिनेस्ट एंड स्लो कंडक्टिंग। टाइप सी में हमारे पास थिनेस्ट एंड स्लो कंडक्टिंग होगी। दीज आर द टिपिकल लार्ज एंड मीडियम साइज फाइबर एंड टाइप सी दे आर स्मॉल फाइबर्स। टाइप ए हैव अ डायमीटर ऑफ 1.5 टू 30 माइक्रोमीटर। टाइप ए हमारे पास इसकी डायमीटर ज्यादा है बनिस्बत किसके, टाइप सी के। टाइप सी की कम है, क्यों, क्योंकि हमारे पास थिनेस्ट होता है, इसमें जो कंडक्शन होती है वो स्लो होती है। टाइप ए में हमारे पास इसके ये थिकेस्ट है, इसकी जो कंडक्शन होती है वो हमारे पास ज्यादा होती है। देयर स्पीड ऑफ कंडक्शन इज 4 to 120 मीटर पर सेकेंड। इसकी कंडक्शन इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फास्ट है। एंड टाइप सी में हमारे पास कम है, क्योंकि इसमें हमारे पास कंडक्शन ऑफ इम्पल्स स्लो होती है। देयर स्पीड ऑफ कंडक्शन इज 0 to 0.5 to 4 मीटर पर सेकेंड, विच शो दे हैव स्लोएस्ट कंडक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यहाँ तक था। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएं। आमीन। थैंक यू सो मच।